बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां लॉकडाउन 15 दिन बढ़ा दिया गया है। सीएम ने कहा कि अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। जिला स्तर पर आने वाले दिनों में समीक्षा करेंगे। कड़क लॉकडाउन की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी पाबंदी रहेगी। ये एक लिहाज से थोड़ी सी छूट कही जा सकती है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, ये चिंता का विषय है। ये तमाम बातें कही गई हैं। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। हमारे साथ रौनक कुकड़े, हमारे सहयोगी जुड़े इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। रौनक, जरा विस्तार से बताइए, जो इस बार 15 दिनों के लिए और लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया, क्या इसमें किसी तरह की कुछ छूट भी दी जा रही है? जी देखिए, कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और साफ तौर पर उन्होंने अपने संबोधन में बताया है कि संक्रमण का दर कुछ जिलों में अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा 15 दिनों के लिए और महाराष्ट्र में जिस तरह से पाबंदियां लागू थी, लॉकडाउन कहा जा रहा है, उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति अभी भी काबू में पूरी तरीके से नहीं आई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो बड़े शहर है वहां पर निश्चित तौर पर संक्रमण जो है वो थोड़ा कम होता दिख रहा है, खासतौर से अगर मुंबई की बात करें, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नियंत्रण में स्थिति नहीं आई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जैसे महाराष्ट्र में संख्या लगातार कम हो रही है, उसकी वजह से अब लोग ये कहने लगे कि कुछ दुकानों को रियायत दी जाए, बाकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खोले जाए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि पहली लहर में जिस तरह से आंकड़े जो पीक आंकड़ा था, आज उस तरह का आंकड़ा जो देखने को मिल रहा है, ऐसे में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 15 दिनों का और लॉकडाउन होगा और जिन जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है वहां पर पाबंदियां और कड़ी कर जाएगी। इस बारे में जल्द ही जिला स्तर पर सूचना जो है वो देने की बात भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही है। अखिलेश, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।